ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, समझ लिया यही सब कुछ है, आखिरत को भूल गए। सुबह उठे काम पे चले गए, शाम आए आबादगी में चले गए, सदाएं आती रही हई आल सला हई आल फला, कोई परवाह नहीं की, ना पेशानियों ने सजदे किए, ना सोचों में पाकिजगी आई, जिंदगी यूं गुजार के चले गए। ऐसे नहीं कहा, एक वो होंगे जिनके चेहरे शगुफ्ता गुलाब होंगे, एक वो होंगे जिनके चेहरे बिगड़े हुए होंगे। अल्लाह अकबर। कल्ला इजा बलगत तराकी, ये तो कयामत का मंजर है ना, कयामत से कबल भी एक मंजर है, अल्लाह उस मंजर को भी बयान कर रहा है। कल्ला इजा बलगत तराकी, हां हां जब जान गले को पहुंच जाएगी। ए इंसान, तेरे ऊपर वो घड़ी भी आने वाली है, वो वक्त भी आने वाला है जब सांस इस हंसली में अटक जाएगा, जब सीने से भी सांस ऊपर चली गई, अब डॉक्टर भी ला इलाज करार दे रहे हैं कि अब इलाज नहीं रहा है, जान बस अब निकलना चाह रही है, और कहा जाएगा कोई झाड़ फूंक वाला बुलाओ, अब डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया, अब सांस अटक गई गले में, चंद लम्हों की मेहमान है, अब डॉक्टरों ने कहा अब हमारी जनब से ला इलाज हो गया, अब ले जाओ इसको घर या वेंटिलेटर पे डाल देते हैं इसको, बस अब हमारी जानब से कोई इसका इलाज नहीं है। अब घर वाले रोते हैं, कहते हैं कोई झाड़ फूंक वाला लाओ, कोई दम वाला लाओ, शायद वो कोई दम करे तो इसकी जान में जान आ जाए, डॉक्टरों ने तो ला इलाज करार दे दिया। वह जन्ना अन्नहुल फिराक, अल्लाह फरमाता है ये तो झाड़ फूंक वाले को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिसकी सांस यहां अटकी है वो समझ गया है अब मौत आ गई है, उसको यकीन हो गया है कि अब मौत के लम्हे आ गए हैं, अब मैं बच नहीं पाऊंगा, अब आंखें ताड़े लगी हुई हैं।